आज हम देखने वाले स्टेबिलिटी के कुछ स्पेशल केस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां पर रिजोनेंस हो रहा है, स्टेबल बाय रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस। इस वाले कंपाउंड में पॉजिटिव सिंगल सिंगल रिजोनेंस तो हो नहीं रहा। अब मिथाइल लगाओ, मिथाइल का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई, पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल, तो यहां पे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है कंटिन्यू, तो रिजोनेंस यहां पे भी नहीं होगा, पर यहां पर है डबल बॉन्ड, तो यहां पर होगा माइनस आई। अब माइनस आई के कारण कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है और प्लस आई के कारण ज्यादा होती है, प्लस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इन्वर्सली। और यदि कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहां पे जिस वाले कंपाउंड में रिजोनेंस है, उसके बाद प्लस आई वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा माइनस आई वाला। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, डबल सिंगल केटाइन, यहां पे रिजोनेंस होगा, स्टेबल बाय रिजोनेंस, डबल सिंगल केटाइन, यहां पे भी रिजोनेंस होगा, डबल सिंगल केटाइन, यहां पे भी रिजोनेंस होगा, स्टेबल बाय रिजोनेंस। अब यहां पे रिजोनेंस तो तीनों कंपाउंड में हो रहा है, पर ये वाले कंपाउंड में दो मिथाइल भी लगे हुए हैं और मिथाइल का होता प्लस आई, इस वाले कंपाउंड में एक लगा हुआ है और इस वाले कंपाउंड में एक भी नहीं है, तो जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के होती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर देखते केटायन सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा, रिजोनेंस हो रहा है इसमें, केटायन सिंगल डबल रिजोनेंस यहां पे भी हो रहा है, रिजोनेंस केटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहां पर पूरी रिंग में रिजोनेंस हो रहा, तो यहां पर हो रहा मैक्सिमम रिजोनेंस, मैक्सिमम रिजोनेंस, और यहां पे हो रहा मिनिमम रिजोनेंस। अब जिस वाले कंपाउंड में रिजोनेंस ज्यादा है वो स्टेबल भी ज्यादा होगा, तो ये वाला कंपाउंड होगा मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा थर्ड वाला, फिर सेकंड, और फर्स्ट वाला सबसे कम होगा, क्योंकि यहां पे रिजोनेंस बहुत कम हो रहा है, केटाइन सिंगल डबल, इस वाले कंपाउंड में केटाइन सिंगल डबल आधी रिंग में आ रहा है, और यहां पे पूरी रिंग में रिजोनेंस हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं अपन, यहां पर लगाओ मिथाइल और मिथाइल का होता प्लस आई, आप इस वाले ग्रुप, इस वाले कार्बोकेटाइन में ना तो प्लस है ना माइनस है, इस वाले में डबल बॉन्ड का होता माइनस आई और ट्रिपल बॉन्ड का भी होता है माइनस आई, पर डबल बॉन्ड के कंपेयर में ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं मोर माइनस आई, मोर माइनस आई, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्लस वाला, फिर ये जीरो वाला, इसमें ना तो प्लस वाला है ना माइनस वाला, फिर उसके बाद माइनस वाला, और माइनस वाले में भी कौन सा आएगा, जिसमें माइनस प्रभाव कम है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं,
केटायन सिंगल डबल, यहां पे रिजोनेंस हो रहा, स्टेबल बाय रिजोनेंस। अब यहां पर देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहां पे इसका होगा प्लस आई और ये पूरी रिंग है, रिंग का भी प्लस आई होगा क्योंकि रिंग में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और ये वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री है और यहां पे ये डबल बॉन्ड है रिंग में, तो रिंग का प्रभाव होगा यहां पर माइनस आई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिस कंपाउंड में रिजोनेंस होगा, तो पहले रिजोनेंस फिर प्लस आई और फिर माइनस आई। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं केटायन सिंगल डबल, यहां पे रिजोनेंस हो रहा स्टेबल बाय रिजोनेंस, यहां पे देखते हैं केटायन सिंगल डबल रिजोनेंस यहां पे भी हो रहा केटायन सिंगल सिंगल, केटायन सिंगल सिंगल इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहां पे जो डबल बॉन्ड का प्रभाव है वो होगा माइनस आई। अब इन दोनों में अपन देखते हैं इसमें भी रिजोनेंस हो रहा, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा, पर यहां पर जो ये वाला बॉन्ड है ये रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, तो इस बॉन्ड का प्रभाव होगा माइनस आई, इस बॉन्ड का होगा माइनस आई प्रभाव। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो केवल रिजोनेंस वाला होगा। अब यहां पे माइनस आई है और इसमें केवल माइनस आई है, इसमें माइनस आई के साथ रिजोनेंस भी है, इसलिए सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा और थर्ड नंबर वाला सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये वाला होगा लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। यहां पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में केटायन सिंगल डबल, यहां पर रिजोनेंस होगा स्टेबल बाय रिजोनेंस, केटायन सिंगल डबल, केटायन सिंगल डबल, यहां पे दो दो तरफ रिजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे हो रहा मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस, और यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर यदि प्लस चार्ज आ जाता है तो वो हो जाता लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड प्लस चार्ज। लोकलाइज्ड प्लस चार्ज तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहां पर मोर रिजोनेंस वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड, सेकंड के बाद आ जाएगा फर्स्ट वाला कंपाउंड और सबसे कम स्टेबल होगा थर्ड वाला। यहां पर देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब यहां पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यहां पे रिजोनेंस हो रहा स्टेबल बाय रिजोनेंस, केटायन सिंगल सिंगल, यहां पे रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहां पर होगा माइनस आई, ओएच ग्रुप का माइनस आई होता है, सिंगल केटायन सिंगल 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 ओएच, ओएच का यहां पर भी माइनस आई होगा और माइनस आई दूरी के साथ कम होता है, तो यहां पर होगा लेस माइनस आई और यहां पर होगा मोर माइनस आई, यहां पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा होगा और यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई कम होगा, क्योंकि जो माइनस आई प्रभाव होता है, माइनस आई और प्लस आई प्रभाव डिस्टेंस के होते हैं इन्वर्सली, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि जिसमें माइनस आई कम है
उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फिर आ जाएगा थर्ड वाला और मोर माइनस वाला सबसे कम स्टेबल होगा, तो लास्ट में आएगा सेकंड वाला। अब यहां पर देखो केटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल केटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल केटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यहां पर तीनों रिंग में रिजोनेंस हो रहा है, तो यहां पर हो रहा मोर रिजोनेंस, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं मोर रिजोनेंस। और यहां पर देखो केटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल केटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां पे दो रिंग है तो यहां पर रिजोनेंस कम होगा। और इस वाले कंपाउंड में केवल एक ही रिंग है तो यहां पर लेस रिजोनेंस होगा। लेस रिजोनेंस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, क्योंकि यहां पर रिजोनेंस तीन तीन रिंग में हो रहा है, और उसके बाद सेकंड वाला, और लास्ट में आ जाएगा थर्ड वाला कंपाउंड। यदि अपन इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, फर्स्ट के बाद आ जाएगा सेकंड वाला कंपाउंड, और सेकंड के बाद आएगा थर्ड वाला कंपाउंड।